नमस्कार, जूम न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में सरकार किसकी होगी, शपथ ग्रहण के बावजूद सस्पेंस बना हुआ है। इस मामले को लेकर आज लोकसभा में हंगामा हो गया। दो सांसदों के साथ धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास सवाल तो है लेकिन पूछने का कोई औचित्य नहीं है। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। हंगामा राज्यसभा में भी हुआ। 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित की गई है। राहुल गांधी जी, माइक स्टार्ट। राहुल गांधी जी, माइक चालू है। नमस्कार। क्वेश्चन नंबर। स्पीकर महोदय, मैं आज यहाँ सवाल पूछने आया था। स्पीकर महोदय, मैं आज यहाँ सवाल पूछने आया था, मगर मेरे सवाल पूछने का आज कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो मेरे सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है आज। धन्यवाद। सर, इस सदन की और उस सदन की भी एक बहुत सेटल्ड व्यवस्था है कि राज्यपाल के निर्णय और राज्यपाल के निर्णय पर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर इस सदन की और उस सदन की बहुत स्पष्ट व्यवस्था है कि राज्यपाल के किसी भी निर्णय या गतिविधि पर चर्चा के लिए सस्टेंटिव मोशन लाने की जरूरत होती है, और वो चेयरमैन या स्पीकर साहब पर तय करता है कि वो उसे स्वीकार करते हैं कि नहीं करते। सर, सवाल यहाँ पर यह नहीं पैदा होता, सवाल ये पैदा होता है कि जनतंत्र को जुगाड़तंत्र से अपहरण करने की कोशिश हो रही है। जनतंत्र का जुगाड़तंत्र से अपहरण करने की कोशिश हो रही है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी और साथियों को जनादेश दिया है। आज जो है, जो लोग की सरकार बनाने के लिए क्लेम तक नहीं करने गए, वो आज जुगाड़ के माध्यम से जनतंत्र का अपहरण कर रहे हैं। एक बात समझ लेना चाहिए, जब जनतंत्र भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो जुगाड़ तंत्र और जुगाड़ तंत्र का जुगाड़ नहीं चलेगा। एक चीज, दूसरी महत्वपूर्ण चीज है सर, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हूँ। सर, दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि शरद पवार जी यहाँ के बहुत सम्मानित सदस्य हैं, उनको समझ लेना चाहिए, वो खेल के भी बहुत खिलाड़ी है। जब पिच स्लिपरी होती है, जब पिच जो है वो फिसलन वाली होती है, तो उस पर रन आउट बहुत जल्दी होता है, और आज स्थिति यही है कि उस स्लिपरी पिच पर जो है वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं और दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं और रन आउट होना तय है। सी नंबर वन, प्लीज हियर मी, प्लीज दिस ये नारेबाजी अराउंड गो टू योर सीट, द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट एट 2 PM। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी को एक दिन और वक्त मिल गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की सुबह 10:30 बजे सुनवाई की। करीब 1 घंटे तक चली बहस में दोनों पक्षों ने अपने तर्क रखे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामला उठाया कि राज्यपाल के अधिकार को क्या चुनौती दी जा सकती है। इसी बीच कांग्रेस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस मामले में पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि फ्लोर टेस्ट तुरंत होना चाहिए। दूसरे पक्ष बीजेपी की ओर से बोलते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने यह कहा है कि राज्यपाल ने नियम और संविधान के अनुसार काम किया है। राज्यपाल ने खुद फ्लोर टेस्ट करवाने की बात कही है। पहले प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाए और उसके बाद में बहुमत साबित करने की बात आती है। कांग्रेस की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है, भले वे फ्लोर टेस्ट हार जाएं, लेकिन यह टेस्ट आज ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक दिन का वक्त देते हुए अगले दिन निर्णय सुनाने को कहा है। सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है इस मामले में। महाराष्ट्र सरकार से जुड़ी हुई खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए जूम न्यूज़।